नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 26 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार, जैसा आप जानते हैं कि सुबह बाजार कमजोर ही खुला था 25 रुपए के आसपास, और उसके अंदर अभी तक कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है। हालांकि भरतपुर मंडी में हल्का सा सुधार बिल्कुल बना है, लेकिन इससे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि केंद्र सरकार जल्द ही सरसों और सोयाबीन और सोया तेल आदि को फिर से वायदा बाजार में लागू कर सकती है। वायदा बाजार का प्लेटफार्म इनके लिए खुल सकता है, ऐसी चर्चाएं बाजार में चल रही हैं। कुछ जो संगठन हैं, तेल से जुड़े हुए संगठन हैं, वो इसकी डिमांड भी कर रहे हैं। अब सरकार क्या करती है नहीं करती है, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। अगर जल्दबाजी में भी कोई फैसला होता है तो भी इसे लागू होने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। और इसके अलावा जो आज जो खबर है वो ये है कि अभी तक जो सरसों का बाजार कमज़ोर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आगे चल करके सरसों के बाज़ार में अच्छा सुधार दिखाई देता हुआ नज़र आ सकता है। ये लगता है कि जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार घट रही है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से 4-4.5 लाख बोरी की आवक, 4.25 लाख बोरी की आवक होती जा रही है। तो क्या ऐसा क्या हो गया है कि क्या सभी ने सरसों रोक ली है, क्या सभी ने सरसों को इस तरह से काबू कर लिया है कि बिकवाली ही नहीं आ रही है? इसका मतलब सीधा सीधा और साफ साफ ये है कि सरसों का उत्पादन घटा है और उसकी यील्ड में भी कमी आई है, और इन सब कारणों से अवेलेबिलिटी यानी आपूर्ति यानी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। और इसलिए लगता है कि आगे, क्योंकि नई सरसों की फसल आने में अभी लंबा समय बाकी है, आप मान सकते हैं तो करीब करीब 8 महीने का समय तो मान ही सकते हैं। फरवरी एंड में 25 फरवरी 2025 में सरसों आएगी, और कितनी आएगी और कैसी फसल होगी, ये सब चीज़ें अभी बहुत दूर हैं, बहुत भविष्य के गर्भ में हैं, इन पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो आगे आगे सरसों का बाजार सुधर सकता है। हरियाणा में नैफेड के पास लगभग 5 लाख टन माल है, नैफेड के पास 20-22 लाख टन माल है जैसा मुझे जानकारी है, तो इनसे भी काम चलने वाला शायद नहीं है। जैसे सरकार ने गेहूं और चना पर और दूसरी दालों पर स्टॉक लिमिट लगाने के बावजूद बाजार बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी बिक्री जारी होने के बाद भी, सरसों की सरकारी बिक्री जारी होने के बाद भी आपूर्ति नहीं रहेगी और तंग रहेगी और बाजार में सुधार होगा। फिलहाल जो सुबह भरतपुर मंडी 5702 रुपये पर खुली थी वो इस समय 5710 रुपये पर है, यानी गिरावट रुकी है, बाजार चाहे ज़्यादा बढ़ा नहीं है। जो सलोनी प्लांट का भाव है वो 6350 रुपये कोटा का है, 6450 रुपये आगरा और दिगनेर और शमशाबाद का है, 6375 रुपये का जो भाव है वो अलवर का है प्लांट का। इस तरह दूसरे जो मंडियों के भाव हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कोई बड़ी गिरावट अब इससे आगे की दिखाई नहीं देती है। सरसों तेल भी आज थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, 1158 रुपये रह गया है कच्ची घाणी का भाव 10 किलो का जयपुर का। लेकिन सरसों तेल में अब और गिरावट की संभावना नहीं है। चारों तरफ से मानसून की ठीक ठाक खबरें आ रही हैं कि मानसून गति से बढ़ रहा है। जैसे जैसे मानसून राज्यों को कवर करेगा इसमें सुधार होगा। आज मूंगफली तेल 25 रुपये प्रति 10 किलो बढ़ा है, राजकोट का भाव 1500 रुपये तक पहुंच गया है, इसके अंदर भी सुधार होने की संभावना है। बिनौला तेल अभी भी स्थिर है, 910 रुपये राजकोट का भाव है, 915 रुपये कड़ी का भाव है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसमें मंदा नहीं है, बाजार आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। कुछ मंडियों के भाव, जैसा मैंने आपको प्लांट के भाव तो शेयर कर ही दिए, भरतपुर मंडी जैसा मैंने आपको बताया कि 5702 रुपये पर खुला था, इस समय 5710 रुपये का भाव बोला जा रहा है, जयपुर 6050, दिल्ली 5950, चरखी दादरी 5900, सुमेरपुर मंडी 5900, बरवाला 5700, हिसार 5650, मुरैना 5550, ग्वालियर 5600, खैरसल 5750, अलवर 5800, खेरली मंडी 5750, हिंडौन 5742, आदमपुर 5601, रेवाड़ी 5700, टोंक मंडी 5655, निवाई मंडी 5675, गंगापुर सिटी 5775, गंगानगर 5760, नोहर 5725, नागौर 5600, कोटा 5500, बीकानेर 5500, सिरसा 5550। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।